हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्जामिनेशन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये वीडियो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़ के रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए ही बनाई जा रही है। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं टू ऑल द कैंडिडेट्स। पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 24 जनवरी से शुरू होंगे। सेकेंडली, ये एग्ज़ाम्स रेगुलर, रीअपीयर, डेफिशिएंट, एडिशनल, यूसोल और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए हो रहे हैं। अगर आपको आपका एडमिट कार्ड या रोल नंबर अभी तक नहीं मिला है तो आप कॉलेज की वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम टू टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी आपकी डेट शीट्स को अपडेट करेगी, जो आप इस लिंक पे 3.1 इस लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा कि हमेशा डेट शीट और एग्जाम के टाइमिंग्स आप पंजाब यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड और इस डेट शीट से ही देखिएगा, ना कि व्हाट्सएप ग्रुप पे, बिकॉज ऑथेंटिसिटी आपको इसी लिंक पे ही मिलेगी। अब टाइम स्लॉट जो मॉर्निंग के लिए है, दैट इज 9:30 to 12:30 एंड इवनिंग के लिए 1:30 to 4:30, ये टाइम आपके एग्जाम के करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन पर डाउनलोड करने के लिए आपको पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक लिंक दिया है, दैट इज online.puexam.in। आप यहां से भी क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जो भी आप क्वेश्चन पेपर करेंगे और जो आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की होगी कि वो कहाँ से डाउनलोड करता है, उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये बहुत क्लियर किया है, आप 5th B पॉइंट में ये चीज़ पढ़ सकते हैं। नाउ, आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड का जो टाइम होगा वो 9:10 पे मॉर्निंग स्लॉट के लिए एंड इवनिंग स्लॉट के लिए 1:10 PM होगा। और ड्यूरेशन की बात ऊपर बता दी गई है कि 3 आवर्स आपको पेपर राइट करने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे टू सबमिट योर पेपर ऑनलाइन। याद रखिएगा कि इस बारी पेपर आपका ऑफलाइन सबमिट नहीं किया जाएगा कॉलेज में, तो प्लीज कॉलेज में आप ऑफलाइन सबमिट नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन सबमिट ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन सबमिशन आप कैसे करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। आपकी आंसर शीट का जो फॉर्मेट रहेगा, दैट इज अ A4 साइज शीट रहेगी और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 20 शीट्स ही अलाउ की गई है। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करें तो 24 A साइज शीट्स उसको चाहिए। उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन सेम है कि आप एक शीट की एक ही साइड पे लिखेंगे, दोनों साइड पे आप नहीं लिखेंगे। नाउ, सबमिशन के स्टेप्स आगे आपको वीडियो में बताए जाएंगे। एक बारी हम शीट की इंस्ट्रक्शंस को भी देख लेते हैं कि जो A4 शीट का सैंपल दिया गया है वो आपको क्या फॉलो करना है। अब आपके सामने जो एक शीट है उसका एक सैंपल पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट पे अपलोड किया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये PDF मिल जाएगी फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑल्सो। नाउ, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपने अपनी क्लास को मेंशन करना है, सब्जेक्ट का नाम मेंशन करना है, एक थर्ड में आपको पेपर दिख रहा है, दिस इज फॉर BA एंड BSc स्टूडेंट्स और फॉर दोज मास्टर क्लासेस जिनके सब्जेक्ट में पेपर या ऑप्शन की कॉलम दिया जाता है। मीडियम लिखेंगे, सब्जेक्ट कोड लिखेंगे, एग्जाम कोड लिखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये है कि आपको अपना रोल नंबर और सिग्नेचर सिर्फ फर्स्ट पेज पे ही करने हैं। आप किसी भी पेजेस पे, रेस्ट ऑफ द पेजेस पे आप कहीं अपना रोल नंबर, नाम या सिग्नेचर नहीं करेंगे। स्टेप टू, नाउ यू हैव टू क्रिएट अ PDF फाइल। और एक सिंगल PDF आप कैसे बनाएंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन, और आपके फोन के अंदर ही एक एप्लीकेशन है, दैट इज गूगल ड्राइव, जिसके थ्रू आप एक सिंगल PDF कम साइज की बना सकते हैं जो आपको अपलोड करने में भी हेल्प करेगा।
सो उसके लिए प्लीज फॉलो द वीडियो दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ स्टेप थ्री, जब आप 3 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट कर लेंगे और आप पीडीएफ बना लेंगे, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आप सबसे पहले अपने आप को ही अपना आंसर शीट मेल करेंगे और ये मेल आपके 60 मिनट्स के अंदर ही आपने करनी है. इसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि जब आप गूगल फॉर्म का रिस्पॉन्स भरेंगे और इन केस ड्यू टू सम कनेक्शन प्रॉब्लम आपका पेपर नहीं सबमिट होता या कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप नोडल ऑफिसर को या कोऑर्डिनेटर को ये प्रूफ दिखा सकते हैं कि आपने अपना पेपर लेस देन 60 मिनट्स में अपलोड कर दिया था. अब हम देखेंगे कि स्टेप अपने आप को आप मेल कैसे करेंगे. सबसे पहले आप अपना जीमेल या याहू, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, आप उसे ओपन कर लेंगे. आफ्टर दैट आप कंपोज पे क्लिक करेंगे. कंपोज पे करने के बाद आप अपनी मेल आईडी लिखेंगे. फॉर एग्जांपल, जिस मेल आईडी को मैं अभी आपको एज अ सैंपल यूज कर रहा हूं, दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर. इसके बाद आप सब्जेक्ट में पंजाब यूनिवर्सिटी का रोल नंबर मेंशन करेंगे जो आपके रोल नंबर कार्ड में लिखा गया है. दैट इज पीयू रोल नंबर सपोज 12345. एंड इसी के साथ आप मेंशन करेंगे अपना सब्जेक्ट कोड. उसको आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट कोड, एंड यू कैन राइट व्हाट एवर योर सब्जेक्ट कोड इज, फॉर एग्जांपल 0123. आफ्टर दिस आप जो भी आपकी फाइल होगी आप उसे अटैच करेंगे. दैट इज योर आंसर शीट. आफ्टर अटैचिंग योर आंसर शीट, आप यहां पे इन द मैसेज बॉक्स मेंशन करेंगे अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपनी क्लास और अपना सब्जेक्ट कोड. ये मेंशन करने के बाद जब आप सेंड कर देंगे तो आप ही के इनबॉक्स में आपका भेजा हुआ पेपर यहां पे सबमिट हो जाएगा. तो अगर आप अभी देखेंगे यहां पे मुझे एक टाइम नजर आ रहा है, दैट इज 9:51 AM. ये मेरे लिए एक टाइम स्टैम्प के लिए काम करेगा एज पर माई रिकॉर्ड कि यस, मैंने अपना पेपर अपने आप को प्रॉपरली सबमिट किया था आफ्टर 3 आवर्स, बट 3 घंटे के बाद अंडर 60 मिनट्स आई हैव सबमिटेड माई पेपर. स्टेप 4, अब हम सीखेंगे कि आप अपने पीडीएफ फाइल को गूगल फॉर्म में कैसे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आपको रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा. आपके टीचर्स एक गूगल फॉर्म का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे. इस गूगल फॉर्म में आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड साथ ही साथ आप अपने आंसर शीट को अपलोड करेंगे आफ्टर यू फिनिश योर पेपर. नाउ आपके इस गूगल फॉर्म में आपकी क्लास मेंशन होगी, आपका सब्जेक्ट और आपका सब्जेक्ट कोड. इसके बाद क्वेश्चन पेपर का एक लिंक यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएगा जिससे आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं. आपका डेट जिस दिन पेपर होगा एंड टाइम स्लॉट दैट इज मॉर्निंग और इवनिंग यहाँ पे मेंशन किया जाएगा. इसके बाद आपको अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे स्पेसिफाई करना है जिसपे आपका एक रिस्पॉन्स जाएगा जब आप अपने गूगल फॉर्म को सबमिट कर देंगे. इसके बाद आपने कॉलेज का रोल नंबर मेंशन करना है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके कॉलेज का रोल नंबर है 123/19, तो आप इसे ऐसे ही मेंशन करेंगे. प्लीज यहां पे स्लैश और 19, 20 या 21, जो भी आपका सेशन है, जरूर मेंशन कीजिएगा. नाउ आफ्टर दिस आप मेंशन करेंगे अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है. देन आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे डालेंगे जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा. देन आप अपना नाम डालेंगे, अपना नेम कॉलेज में जो आपने फॉर्म सबमिट किया था
काइंडली वही पूरा नाम इंसर्ट करें। आफ्टर दिस आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। आफ्टर दिस आप अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, दैट इज बीए थर्ड सेमेस्टर। इसके बाद अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको मैक्सिमम लिमिट शीट्स की दी गई है, दैट इज 20। पर आपने कितनी शीट्स में अपना पेपर कंप्लीट किया है वो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 18 शीट्स में अगर आपने कंप्लीट किया है, जो आपने पीडीएफ में स्कैन किया है, आप उसको मेंशन करेंगे। इसके बाद यू विल गो विद नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप अपनी आंसर शीट को यहां पे अपलोड करेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि जब आप पीडीएफ बनाएंगे आपको सिर्फ वही शीट्स की पीडीएफ बनानी है जो आपने अपना पेपर किया है। प्लीज अपने एडमिट कार्ड को स्कैन मत कीजिएगा। नाउ आई विल गो विद ऐड फाइल। जैसी आप ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन नजर आएगी अपलोड। अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ क्रिएट करने का तरीका समझा है तो उसका एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि जब आप स्कैनिंग कर देंगे, स्कैनिंग करने के बाद आप उसी को गूगल ड्राइव पे अपलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आपने गूगल ड्राइव पे पहले से ही अपलोड किया है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए माई ड्राइव, और माई ड्राइव पे करने के बाद आप यहाँ से अपना एक फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी आंसर शीट सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने अपलोड की है। यहाँ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप अपना पेपर कंप्लीट करें अपने फाइल को एक स्टैंडर्ड फाइल नेम ज़रूर दीजिए। स्टैंडर्ड फाइल नेम का मतलब पहले आप अपना पीयू का रोल नंबर मेंशन कीजिए, फॉर एग्जांपल 123, और हाइफन के बाद आप अपने सब्जेक्ट का नाम मेंशन कीजिए, शॉर्ट फॉर्म में या जैसे भी आप चाहें, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि आपका ये पेपर कौन सा है। सिलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन सबमिट। देखिए अगर आप गूगल ड्राइव पे पहले से ही अपलोड करते हैं तो विद इन 5 सेकेंड्स आपका रिस्पॉन्स चले जाएगा। अब जब ये रिस्पॉन्स गया है, साथ ही साथ आप अपने इनबॉक्स में चेक कीजिए कि आपको एक रिस्पॉन्स आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जब हमने ये गूगल फॉर्म फिल किया था तो सबसे पहले हमने अपना ईमेल एड्रेस भरा था। बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं इसलिए उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेट्स सी कि अगर हमने ये किया है तो हमारा रिस्पॉन्स आया या नहीं आया। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे लिखा आया दैट्स गूगल फॉर्म्स, और यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आया जो हमने फिल किया था, दैट इज फॉर सबमिटिंग माई आंसर शीट। कई बारी बच्चों को इनबॉक्स में ये चीज नहीं आती। सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जीमेल में स्पैम फोल्डर में जाइए तो आपका कई बार रिस्पॉन्स जो है वो स्पैम फोल्डर में आता है। सो आई होप ऑल दी इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर। पर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज आप इसको मेंशन कर सकते हैं इन दी कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर दी एग्जाम्स।